पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन के नायब सरबरा एंड्रयू शोफर का कराची का दौरा है। अहम मुलाकातों में सब्ज इत्तेहाद, फ्रेमवर्क, सेहत और जदीद तालीम और दीगर शोबाजात में तआवुन का इरादा किया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात बारे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के नायब सरबरा एंड्रयू शोफर ने जो है वो कराची का दौरा किया है, जिसका मकसद अमरीका पाकिस्तान सब्ज इत्तेहाद फ्रेमवर्क और समेत पाकिस्तान में सेहत की देखभाल और तालीम के शोबेजात में अमरीका का ताबून और अजम को उजागर करना था। साथ साथ एंड्रयू शोफर की सरकारी अहदेदारान, डॉक्टर, इंसानी हकूक के नुमाइंदगान और अमरीकी हुकूमत के मामले से चलने वाले इंग्लिश वर्कशॉप प्रोग्राम के तालिब इल्मों के साथ मुलाकातें जो है वो हुई हैं, जिसके अंदर नुमाया पहलुओं के ऊपर बातचीत भी हुई है। साथ साथ देखें, अमरीका और पाकिस्तान की जानब से फ्रेमवर्क बनाए सब्ज इत्तेहाद के जरिए मुस्तकबिल में पेश आने वाली माहौलियाती और मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्तकर तैयारियां की जा रही हैं। जबकि DCMN शुपर ने इन तरजीहत की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान के वजीर बराए दहरी उमूर सैयद फैसल सफवारी, हुकूमती अहदेदारान और निजी शोबा के सरबराहान के साथ जो है वो मुजाकरात में जो है वो शिरकत भी की, ताकि पाकिस्तान में जहाज रानी की माहौल और दो सरगर्मियों को जदीद खतूत पर सवार करने के लिए नई तरीकों की निशानदेही की जा सके। बहुत शुक्रिया सलमान सलीम अपडेट करने के लिए।